मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुरैना जिले की जोरा विधानसभा सीट पर साधना न्यूज ने चौपाल आयोजित की। इस दौरान भाजपा, कांग्रेस और बसपा के समर्थकों ने कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। जोरा क्षेत्र में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, जहां शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इसी वजह से युवा पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। पहाड़गढ़, मानपुर और सहसराम मार्ग पर पक्की सड़क स्वीकृत होने के बावजूद निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। जोरा विधानसभा क्षेत्र में बना कैलारस में शक्कर कारखाना भी स्थानीय लोगों के लिए अहम चुनावी मुद्दा है। नमस्कार, मैं कुलदीप तिवारी, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पहुंचे हैं जोरा विधानसभा क्षेत्र में। जोरा विधानसभा क्षेत्र में क्या है जनता की राय और यहाँ है, यहाँ के क्या है मुद्दे, जिन मुद्दों पर होती है बहस और वो रहते हैं हमेशा मुद्दे। अभी हमारे साथ भाजपा, कांग्रेस और बसपा से समर्थक आए हुए हैं यहाँ पर। उन समर्थकों से हम जानेंगे कि उनकी राय क्या है और यहाँ पर हमारे साथ जनता है, उनसे भी जानेंगे कि उनकी राय क्या है। आपको एक बात बता दूं, जोरा विधानसभा 1977 में अस्तित्व में आई थी। यहाँ 4 बार बसपा, 2 बार बीजेपी और 3 बार कांग्रेस रह चुकी है। बसपा से यहाँ सोनीराम कुशवाहा 2 बार विधायक रह चुके हैं और दो बार सूबेदार सिंह रजौदा विधायक यहाँ पर रह चुके हैं भाजपा से। तो हम यहाँ जानते हैं कि इन लोगों की राय क्या है और यहाँ पर मुद्दे क्या रहते हैं। आप पहले हम शुरुआत करते हैं बसपा से, तो यहाँ आप बसपा की तरफ से हैं, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मैं नंदलाल खरे हूँ, पूर्व विधानसभा प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। जी नंदलाल खरे जी, आप बसपा पार्टी से यहाँ पर बसपा का समर्थन करने आए हैं, लेकिन जो जनता, क्षेत्र की जनता है, काफ़ी त्रस्त रही है। हरदम जो मुद्दे होते हैं, केवल उन मुद्दों पर चुनाव ना होता हुआ भाजपा हो या कांग्रेस, सब भटक जाते हैं विधायक बनते ही। जिसकी सरकार आई वो सत्ता दल का प्रयोग करके कहीं ना कहीं जनता को त्रस्त करने का काम करते हैं, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, जो आपने प्रश्न किया बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। जी, जोरा कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जब वो 77 में अस्तित्व में आने के बाद, जी, यहाँ पर जमीनी जनता की सोच रखने वाले यहाँ पर प्रतिनिधि बने, जो कास्टिज्म को किनारे लगाकर, वो दौर एक ऐसा हुआ करता था 70-80 के दशक का, उस समय बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में नहीं आई थी। उसी का परिणाम था कि मिश्रा परिवार यहाँ पर 3 बार यहाँ से विधायक बनकर के पहुँचा सदन के अंदर। वहाँ कास्टिज्म नहीं हुआ करता था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद जो लोग कास्टिंग अदर वोटर्स का, जो ये बहुसंख्यक वोटर है, उसके वोट से चुनकर जाने के बाद जनता के हितों की अनदेखी करते रहे। बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आने के बाद पहली बार 1990 में पहला चुनाव लड़े, 18,000 वोट लेकर के श्री सोनीराम कुशवाहा जी दूसरे नंबर पर रहे। उसके बाद 1993 में जब चुनाव लड़े तो उनसे यहाँ से जाहर सिंह कक्का जैसे गद्दावर लीडर भारतीय जनता पार्टी, जिनको एक गद्दावर नेता इधर अंचल का माना जाता था, वो लड़े और वो वहाँ से चुनाव हार करके गए। 98 में बहुजन समाज पार्टी पुनः जब चुनाव लड़ी तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने संयुक्त प्रत्याशी उतारा। जो परिस्थिति आज ऐसा महसूस हो रहा है कि आज वो परिस्थिति निर्मित होने वाली है, वो प्रत्याशी उतारा गया। तो जैसे मजदत्त मिश्र जी, श्री कांग्रेस से श्री मजदत्त मिश्र जी प्रत्याशी उतर के आए 98 में, और उस और भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ से श्री कालीचंद, तत्कालीन नेता श्री कालीचंद कुशवाहा जी को प्रत्याशी बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत करके गई। तो कहने का तात्पर्य, 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा श्री सोनीराम कुशवाहा जी का, यानी बहुजन समाज पार्टी के विधायक जी का, वो कार्यकाल ऐसा रहा कि लॉ एंड ऑर्डर, बहुजन समाज पार्टी। आज की परिस्थिति की बात करें, आज भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार ने क्या कुछ कार्य किए हैं और जो मुद्दे हैं यहाँ पर क्षेत्र की जनता उन मुद्दों से कितना संतुष्ट रही है? आप क्षेत्र की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, इससे पूर्व में जब कांग्रेस का कार्यकाल भी रहा, तभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। विकास कार्य की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, जैसे रेल है, ब्रॉड नैरोगेज से ब्रॉडगेज में परिवर्तन, सेंट्रल सरकार की स्कीम, हम इसकी सराहना करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की कुछ योजना है, हम उनकी सराहना करते हैं, लेकिन इन सारे कार्यों से पहले क्षेत्र के, अंचल के अंदर एक जमीनी मान सम्मान का जो संघर्ष है वो तो वजूद में आना चाहिए। आप क्या कहेंगे, इनने सेंट्रल से जो योजना चलाई है उनकी तो ये सराहना कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में जो मुद्दे हैं उनको लेके ये काफी नाराज नजर आ रहे हैं? इनके पास कोई मुद्दे है ही नहीं। जब हमारे कार्यों की सराहना ये कर ही रहे हैं तो फिर हमें इस कार्यों की अपने बताने की आवश्यकता नहीं है। जी, इनके पास
और हमारी सरकार ने आज आप देख लो 2013 से जोरा विधानसभा में और देश आजाद हुआ जब से कोई विधायक नहीं था, प्रतिनिधि नहीं था। उससे पहले कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे, दो बार बसपा के भी प्रतिनिधि रहे, इन्होंने क्या काम करवाए आप आज देख लीजिए। कम से कम जोरा में अस्पताल का निर्माण हो रहा है, कैलारस में नवीन अस्पताल का निर्माण हो रहा है, आप सड़कें देख लीजिए, कोई क्षेत्र बाकी नहीं है। चौधरा पुल निर्मित कराए गए हैं बीजेपी की सरकार में आपके, इसका चाहे सिकरौदा का पुल हो चाहे नेपरी का पुल हो, ये इतने गंभीर मुद्दे थे। यहाँ से आवागमन की रास्ताएँ अवरुद्ध रहती थी, लोगों की शादियों तक के समय कट जाते थे, दूल्हा यहीं फंसा रह जाता था। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, 2013 के बाद हुआ है। हालांकि इस क्षेत्र को नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़ भी माना जाता है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो ऐसे में ये केलारस शुगर मिल का मुद्दा हर बार चुनावी चर्चाओं में रहता है, मुद्दा हर बार ये उछलता है, लेकिन वो मुद्दा बनकर रह जाती है केलारस शुगर मिल, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए केलारस शुगर मिल में क्या है, वो शासकीय है, कुछ मुद्दे जैसे उन्होंने गवर्नमेंट आधा तो शासन से ही है और कुछ समितियाँ किसानों की बनी हुई हैं, उनकी अनेकों मांग रहती हैं, उन पर सहमति अभी बन जाएगी आगे चल के, उसके बाद शुगर मिल को। अरे ये उन्होंने जो कहा है भारतीय जनता, ये तो एक यहाँ से प्रतिनिधि हैं, जब हमने संयुक्त मूवमेंट शुगर फैक्ट्री को लेकर के चलाया जिसमें CPM कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सम्मिलित रही, बहुजन समाज पार्टी तरफ से जो वर्तमान प्रत्याशी बने पूर्व विधायक श्री सोयराम कुशवाहा जी, इधर से BSP की तरफ से नेतृत्व किया, हम लोग भी साथ में रहे। आप ये विडंबना देखिए कि जब इलेक्शन से पहले बाई इलेक्शन में भी वादा किया, बाई इलेक्शन से पहले 2018 में कैलारस में पुरानी सब्जी मंडी में जनसभा के दौरान उन्होंने कहा इस बात को श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कि आप भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएं और मैं यहां पर कैबिनेट लगाऊंगा और कैबिनेट लगा करके शुगर फैक्ट्री को चालू कराऊंगा। ठीक है, इस मुद्दे पे हम कांग्रेस से जो ओम प्रकाश जी हैं उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? श्रीमान जी, क्योंकि केलारस शुगर मिल बहुत बड़ा मुद्दा है, का मुद्दा ये कह रहे हैं वो सही है, शिवराज सिंह जी ये कह के गए कि जिसको मैं चालू कराऊंगा और पगारा पे कैबिनेट की मीटिंग होगी, लेकिन ये एक भी काम नहीं हुआ। नए नए काम उन्होंने किए हैं तो पुराने काम पिछड़ गए, जैसे विकलांगों को पेंशन मिलती, वृद्धों को पेंशन मिलती, वो सब बंद है जी। लाडली बहनाओं को बाहर ऐसे कर दिए तुमने। मेरी बात सुनो भैया अरे थोड़ा रुक सुनोगे भैया के वैसे ही चिल्ला रहे हो गोरी बारी जो, अरे 2 महीने आ चुके हैं, अभी इस महीने का नहीं आया, नंबर लगाओ और पूछो कौन है जी। लेडीज है, कौन सी लेडीज, क्या नाम है? मैं नाम बता, नंबर बता रहा हूँ, अभी 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 हमारी डिबेट होने दो, उसके बाद हम नंबर का आदान प्रदान करते हैं, अभी डिबेट होने दो। अभी लाडली बहना पे आपने बात करी, लाडली बहना का बोला कि 12 तारीख को जो रुपए आने थे 10 तारीख को वो अभी तक नहीं आए, लाडली बहना के पैसे आ चुके हैं। लाडली बहना के अलावा और भी कई मुद्दे हैं, जैसे सरकार ने 400 रुपए में सिलेंडर किया था, अभी 400 रुपए में सिलेंडर। एक बात बताइए ये रेवड़िया बांटना कब बंद करेगा शिवराज चौहान? एक बात और आपको बता दूं, जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनाव नजदीक आते आते ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कह रहा है कि आप रेवड़िया क्यों बांट रहे हो, जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो, क्यों बांट रहे हैं आप रेवड़िया? देखिए जनता की मांग है, किसी को कोई रेवड़िया नहीं बट रही है। जब सिलेंडर का गुजरात आप राजस्थान सरकार में देख लो, 500 रुपए में सिलेंडर कांग्रेस सरकार दे रही है, वो रेवड़िया बांट रही है, वो रेवड़िया बांट रही है क्या? इसको रेवड़िया बांटना नहीं कहते। चुनाव नजदीक आते ही सरकार इस तरह से जनता को लुभावने वादे कर रही है, जनता को लुभावनी योजना पहुंचा रही है। सरकार की मांग है, इनके घोषणा पत्र में इन्होंने खुद भी लिखा है, कांग्रेस वालों ने भी, कि ये सारी चीजें कम करेंगे, पेंशन 1000 रुपए बढ़ाएंगे, सिलेंडर के दाम कम करेंगे, इन्होंने खुद लिखा है। गवर्नमेंट तो अभी सुचारू रूप से संचालित हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये लोग लुभावने वादे हैं जनता को लुभाने के लिए? एक बात बताइए, भाजपा के ये कह रहे हैं उनकी बात सही है, मैं मानता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ 2 कट्टे के लिए आदमी को 10 दिन लाइन पे लग के खड़ा होना पड़ता है और पुलिस के पहरे में बांटी जा रही है, तो खाद कहाँ है किसानों का, है ब्लैक में सरकार दे रही है दुकानदारों को, वहां से महंगे कट्टे लेने पड़ रहे हैं, कहीं व्यवस्था है? एक भी व्यवस्था नहीं है, जिसका फोन आया था उसको मिलता है। किसानों का मुद्दा एक अहम मुद्दा हमेशा रहता है, लेकिन किसान को खाद नहीं मिलता, खाद समय पे एक बात बताइए, खाद नहीं मिलेगा तो किसान की आय दूनी कैसे हो जाएगी? सही समय पे खाद बीज नहीं मिलेगा तो किसान की आय दूनी कैसे हो जाएगी?
आपकी सरकार है, मैं बताऊँ क्यों नहीं पहुँच पा रहा। पहले इनसे ये पूछो कि खाद आता कहाँ से, कहाँ से आता है भारत में खाद जो आता है वो कहाँ से आता है, इनको ये पता है क्या? अरे पहले जानकारी नहीं है तो मत कहो। ऐसा है, खाद हमारा विदेशों से आता है, खासकर रूस से आ रहा है इस समय, और एक साथ हमारे देश में 140-145 करोड़ का देश है, लाखों करोड़ों हेक्टेयर जमीन है, कहीं से भी इतना भंडारण एक साथ किया नहीं जा सकता। क्रमशः सरकार की मांग पे विदेशों से खाद आता है, भंडारण होता है, उसके बाद वितरण होता है और किसान को एक फिर मेड इन इंडिया कहाँ गई? जब विदेशी से ही खाद लेना पड़ रहा है तो प्रधानमंत्री ने विकास कहाँ कर दिया? एक आप बताइए एक बात, जब किसान एक मुद्दा निकल के सामने आया है, जब विदेशों से हमें खाद मंगवाने की जरूरत पड़ रही है तो मेड इंडिया और मेक इन इंडिया कहाँ गया? और दूसरा, कृषि के क्षेत्र में हमारा भारत देश नंबर वन कहलाता है लेकिन कृषि क्षेत्र में हम पिछड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, हर क्षेत्र में। एक बात बताइए, देश में कितने युवा बेरोजगार? प्रधानमंत्री बोला था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल लेंगे। अरे 2 करोड़ की नौकरी तो छोड़ो, थोड़ा 1 मिनट के लिए ध्यान से सुने, 1 मिनट में सब कुछ बता दूंगा। जोरा में ये विकास की बात कर रहे हैं, जोरा में विकास किया है विधायक जी ने, जोरा में विकास किया है अपने चहेतों की। ऐसा गली मोहल्ला टोरा मजरा बाकी नहीं है जहाँ शराब नहीं बिकती हो, जहाँ पर जुआ सट्टा है क्या भी नहीं होता हो, ये विकास किया जोरा विधायक जी ने। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं आप, लोकतंत्र यहाँ के विधायक तो विधायक तो यहाँ भाजपा के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी जी के विधायक जी के संरक्षण में खुलेआम जुआ, इसमें सट्टा 51 और शराब का अवैध कारोबार, इवन रजिस्टर्ड शराब भी अगर बिक रही है तो जोरा के क्षेत्रीय विधायक जी के संरक्षण में बिक रही है। उन्होंने स्वीकार, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। देखिए ऐसा है, भाजपा के राज्य में बिल्कुल कुशासन फैला हुआ है। पूरी बात सुने आप हमारी, एक बात बताइए, सरकार लाइसेंस दे दी है, सरकार बिजबल लाइसेंस दे दी है, शराब ठेके बांट दी है क्या? कोई आज नई बात हुई है? शराब का ठेका जिस दिन से देश आजाद हुआ है उस दिन से मदद क्यों इसी तरह चालू है? तब ये चलाते थे, अब हमारी सरकार है हम पे आरोप लगाते हैं, प्रक्रिया वही है। अरे आपने हमारी पूरी बात को नहीं सुना, ये मैं आप, अरे रुकिए श्रीमान, ये यहाँ तक ही, अरे भाई, अरे सुनो यार, सुनना, देखो डिबेट में आए तो ठीक है, तब बोलने दो भाई, आप पूरा सुनो उसके बाद सुनिए सुनिए, देखिए अरे सुनिए सुनिए, और इस बात को स्वीकार, अरे अरे भाई बोलने तो, हम एक एक करके, एक एक करके हम सबसे आ रहे हैं, एक एक करके सबसे बात, सबकी बात रखेंगे, एक एक करके। एक होता है हर मोहल्ले में ठेका, एक जगह होता है हर मोहल्ले में, कलारी खुली हुई है, वो कह रहे हैं देखो ठेका एक होता है हर मोहल्ले में। भ्रष्टाचार को लेकर